अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद अली आगा विद फिजान सलीम और फनकार्स। आज जो कार हम आपके लिए लेके आए हैं वो है टोयोटा करोला फील्डर WXB। और ये कार जो है बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है एयरवेव के साथ, और एयरवेव आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई और बहुत ज़्यादा इस वक्त डिमांड में भी है। इसी तरह ये कार भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है, तो इसलिए हमने सोचा आज इसका रिव्यू हम लेके आए हैं आपके लिए। कार अवेलेबल है जी हाफिज सजाद मोटर के पास। ये है इनका कॉन्टैक्ट नंबर, जो इन्फॉर्मेशन हमसे रह जाए वो आप इजीली इनसे पूछ सकते हैं। कार की हम लुक के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो यार आपको दिखाई थी करोला WXB, सिंपल, ये उससे बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें HID बीम यूज़ की गई है, हेलोजन लैंप दिया गया है, इंडिकेटर में भी हेलोजन लैंप दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे इसके DRL भी यूज़ किए गए हैं। लुक की अगर हम बात कर लें तो एरोडायनेमिक शेप है नो डाउट, और बहुत ज़्यादा टोयोटा करोला से रिजेंबल भी करती हुई है, ग्रैंडी से रिजेंबल करती हुई है। इसके अलावा आप इसकी ग्रिल देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक का यूटिलाइज किया गया है, जो ब्लैक कलर है उसको डोमिनेंट रखा गया है। फ्रंट साइड पे इसके फोग लैंप भी इसके अंदर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और इसके अलावा आप इसकी कर्व्स देख सकते हैं, अगेन एरोडायनेमिक शेप को मद्देनजर रखते हुए इसके जो बोनट है इसके ऊपर आप कर्व्स देख सकते हैं। ओवरऑल जो है इसकी लेंथ आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है नॉर्मल कार से। हाइब्रिड का बैज भी यहाँ पे मेंशन है। और अगर हम इसके टायर प्रोफाइल की बात कर लें तो वो है 195/55 और R16 यानी 16 साइज का ये कंप्लीट टायर खूबसूरत से अलॉय रिम के साथ आपको अवेलेबल होता है। ग्राउंड क्लियरेंस की हम साथ ही बात कर लेते हैं, तो ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हैं इसकी भी ग्राउंड क्लियरेंस 155 mm है, जो कि आपके रोड्स के हिसाब से एक मुनासिब ग्राउंड क्लियरेंस है। रिट्रैक्टेबल मिरर है और इसके अंदर LED इंडिकेटर नहीं है, हेलोजन लैंप वाले इंडिकेटर ऐड किए गए हैं। बैक साइड पे हम आते हैं, यहाँ पे आप इसकी लुक देखें, अगेन बहुत ही एरोडायनेमिक शेप है। रूफ टॉप में भी जो कर्व्स दिए गए हैं वो कम्प्लीटली एरोडायनेमिक बनाए गए हैं। शार्क फिन एंटीना है आपको पास रूफ टॉप में। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर हम बात कर लें तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है इसकी 36 लीटर में आपको अवेल हो जाती है, यानी कि टैंक फुल कराना है तो 36 लीटर का तुम पेट्रोल पवाना है। अजकल सोचोगे वैसे 36 लीटर पेट्रोल पवान का। खैर अब हम इसकी बैक लाइट्स की बात कर लें तो बैक लाइट जो है ब्रेक लाइट LED में दी गई है, हेलोजन लैंप इंडिकेटर दिए गए हैं और रिवर्सिंग लाइट भी हेलोजन में दी गई है। इसके अलावा बैक साइड पे आप यहाँ देख सकते हैं क्रोम में लोगो है। क्रोम की बात कर लें तो करोला का नाम मेंशन है, फील्डर कार का नाम मेंशन है, WXB मेंशन है और हाइब्रिड सिनर्जी ड्राइव भी मेंशन है। बैक साइड पे आपको वाइपर मिलेगा, अपर साइड पे यहाँ पे मिस्ट मिलेगा और ये ब्रेक लैंप भी आपको अवेल हो जाएगा। बैक बम्पर में आप देख सकते हैं लोअर साइड पे रिफ्लेक्टर दिए गए हैं और स्पॉइलर बम्पर है खूबसूरत सी लुक के साथ, सिंगल एग्जॉस्ट के साथ है। और अगेन ओवरऑल विथ और लेंथ आप देख सकते हैं एयर वेव की तरह की है। इसकी बूट स्पेस की हम बात कर लें तो यार आपने बूट स्पेस के बारे में अगेन परेशान होना ही नहीं है, बूट स्पेस चेक करें। ये है जी इसकी बूट स्पेस, एक अच्छी खासी बूट स्पेस है और ऑलमोस्ट ये 350 लीटर प्लस में लगती है बूट स्पेस। एक्यूरेट अभी फिल वक्त मुझे याद नहीं आ रहा। और इसके अलावा बूट स्पेस में देख सकते हैं आपको स्पेयर टायर मिलता है, टायर चेंजिंग किट मिलती है और अगर आप लगेज जितना चाहें इसमें रख सकते हैं तो एक ज़बरदस्त सी बूट स्पेस है। जर्नली क्या होता है कि हम रिव्यू देते हैं ये जर्नली इस तरह की कार का कि यार आपकी अगर बड़ी फैमिली है तो उनके लिए ये बेस्ट है। लेकिन मैंने अक्सर देखा यार अकेला बंदा लेके जा रहा होता है, जितनी ज़्यादा बड़ी कार होती है लंबी कार होती है। खैर ये थी इसकी कुछ ओवरऑल एक्सटीरियर की बातें, एक्सटीरियर के स्पेक्स, और अब मैं आपको इसके इंटीरियर की तरफ लिए चलता हूँ, इंजन की तरफ लिए चलता हूँ और फर्दर डिटेल आपके साथ अंदर जाके शेयर करता हूँ। जी तो व्यूवर्स कार के अंदर हम आ चुके हैं और स्टार्ट करने के बाद हमें कोई आवाज़ नहीं आई, बिल्कुल खामोशी का समय है यहाँ पे। उसकी वजह यह है कि हाइब्रिड कार है और यहाँ पे आप हाइब्रिड कार का मीटर ही आप सबसे पहले देखें आपने, बाकी के तो इसमें इंडिकेशन देख ली होगी स्टार्ट होते हुए। 180 की मैक्सिमम स्पीड है, RPM है, EV मोड पर है इस वक्त, यानी कि इसमें मोड्स भी और हैं। और एवरेज जो है ये इसकी सेटिंग वगैरह सारी आपके सामने है। आउटसाइड का टेम्परेचर बता रहा है इस वक्त 35 डिग्री पड़ रही है यार, अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है बाहर तो। और अब कुछ बात कर लेते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील आप देख सकते हैं उतना ही स्मूथ है जितना कि ग्रैंडी का था। ये देखें, एक आप सिंगल इसको फिंगर से भी हैंडल कर सकते हैं, ग्रैंडी जैसा स्मूथ इसका स्टीयरिंग व्हील है। रैक एंड पिनियन और मल्टीमीडिया के कंट्रोल के साथ कम्प्लीटली, मोड के ऑप्शन के साथ, SRS एयरबैग के साथ और ये खूबसूरत सी ग्लॉसी ब्लैक के टच के साथ, टोयोटा के लोगों के साथ, इन सब चीज़ों के साथ ये अवेलेबल है। और अगर हम इसके डैशबोर्ड की बात कर लें तो आप इसके डैशबोर्ड की लुक देखें, बड़ी खूबसूरत आती है। डैशबोर्ड पे हमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मिल गई, वो है जी हाफिज सजाद मोटर की कार इंस्पेक्शन।
कार इंस्पेक्शन में क्या कहती है, सारी कार जो है वो जेन्युइन कंडीशन में है, नॉन पेंटेड है, लेकिन जो आपके ड्राइवर साइड का फेंडर है वो पेंटेड है। और ये 2015 मॉडल है और 2019 की इंपोर्ट है, जिसकी अगर हम प्राइस की बात कर लें, यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन अगर हम इसकी प्राइस की बात कर लें तो इस वक्त 55 लाख 90 थाउजेंड इसकी डिमांड कर रहे हैं हाफिज़ सज्जाद मोटर्स। अगर आपको ये कार परचेज़ करने में कोई भी इंटरेस्ट है तो आप इनके पास आ सकते हैं। लेकिन एक खुशखबरी भी ये है कि अगर आप फन कार्स का नाम लेके चैनल को सब्सक्राइब करके इनके पास आते हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाएगा। अब इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए आपको LED दी गई है डैशबोर्ड में। अपर साइड पे आप देख सकते हैं एक और आपके पास कंपार्टमेंट है ग्लव बॉक्स का, अपर साइड पे और लोअर साइड पे भी इसमें कंपार्टमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसोल बॉक्स, खूबसूरत सा दो ग्लास होल्डर है इसमें, पीछे गियर की सारी शिफ्ट की सेटिंग है। यहाँ पे अगर आप दिखा सकें इको मोड है, ईवी मोड है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, और अगर आपको सडन जिस तरह जनरली हमारे साथ यहाँ होता है अजान हो रही है और हमें फ़ौरन म्यूज़िक ऑफ़ करना है तो यहाँ पर सिंपल आप ऐसे वन क्लिक करके म्यूज़िक को ऑफ़ कर सकते हैं। मैनुअल हैंड ब्रेक है जिस तरह ओल्ड स्टाइल में आती थी, ऑब्वियसली 2015 का मॉडल है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्मरेस्ट के नीचे एक और आपको कंपार्टमेंट मिलता है, और यहाँ पे 12 वोल्ट की पावर आउटलेट भी है आपके पास अवेलेबल, 12 वोल्ट की पावर आउटलेट है। और ये जो कार है उससे हमने कंपैरिजन तो इसे कर दिया एयरवेव के साथ, लेकिन यार एयरवेव में जो एक बड़ा शिशका था ना, जिसकी वजह से हमने कहा था यार ये फॉर्च्यूनर से भी आ गया, वो इसमें भी नहीं है, वो था उसका पैनोरामिक सनरूफ। उसमें पैनोरामिक सनरूफ था, इसमें नहीं है। इसमें लेकिन अगेन ब्लैक को डोमिनेंट किया गया है अपर साइड पे भी, रूफ साइड पे भी। और यहाँ देख सकते हैं आप इसके सनवाइजर हैं विद वैनिटी मिरर। एंड यस, इसके अगर हम सीट की बात कर लें तो इसमें लेदर प्लस फैब्रिक का यूज़ किया गया है, और ये चेक जो है बहुत ही खूबसूरत और स्पोर्टी लुक दे रहा है इसको, नो डाउट। और गाड़ी का कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है, स्पेस जो लेग स्पेस है वो भी अच्छी है, हेड स्पेस भी अच्छी है, इवन बैक पैसेंजर्स की अगर हम बात कर लें तो बैक पैसेंजर्स के लिए भी एक अच्छी स्पेस अवेल की गई है। बैक पैसेंजर में प्रॉपर जो है जिसे हम कहते हैं 5% की सीटिंग कैपेसिटी है, और बैक पैसेंजर की सेफ्टी के लिए भी सीट बेल्ट दिए गए हैं, फ्रंट पे भी सीट बेल्ट दिए गए हैं, 6 SRS एयरबैग देती है ये आपको। और अगर आप इसको एग्जेक्टिव क्लास में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसका ये कंसोल को लोअर करके आप इसको एग्जेक्टिव क्लास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये कार पसंद आई होगी। और इसमें इसके अलावा एक चीज़ और आपको बता दूं, इसमें लेन असिस्ट का भी ऑप्शन है, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल का भी ऑप्शन है, और रिट्रैक्टेबल मिरर तो मैंने आपको बता ही दिए थे। खैर, ये कार अगर आपको पसंद आ गई अगेन तो आप आ सकते हैं हाफिज़ सज्जाद मोटर्स के पास और इनसे ये कार अवेल कर सकते हैं। अब मैं आप बाहर की तरफ अगेन आपको लिए चलता हूँ और इसके इंजन की और माइलेज के बारे में बाहर चल के बताता हूँ। इंजन की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आपको 1500 cc में मिलता है, 4 इनलाइन सिलेंडर के साथ, 73 हॉर्स पावर जनरेट करता है तकरीबन 4800 RPM पे, और 111 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है तकरीबन 3600 RPM पे, और ज़्यादा टॉर्क जनरेट करता है, ज़्यादा वेट उठाने की कैपेसिटी है। और इसके अलावा DOHC इसका जो है वॉल मैकेनिज़म है। और इसके अलावा आप मुझसे पूछते हैं वो है आपकी एवरेज फ्यूल एवरेज बताना, बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइब्रिड सिनर्जी ड्राइव का लोगो भी मेंशन है, यहाँ इसका हाइब्रिड सेक्शन है, और सेकंड साइड पे आप देख सकते हैं इसका पेट्रोल सेक्शन भी आपको अवेल है। और अगेन यस, माइलेज के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो माइलेज जो है सिटी में देती है 30 किलोमीटर पर लीटर, जो कि कंपनी क्लेम करती है, और हाईवे पे अगर जा रहे हैं तो 34 किलोमीटर पर लीटर, बेहतरीन किस्म की जो है ना वो आपको एवरेज ये कार अवेल कर देगी। लेकिन मुझसे नहीं लड़ना, आपने ये कंपनी क्लेम करती है। आई होप आपको टोयोटा करोला फील्डर WX भी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आ गई है तो यार हमारा रिव्यू भी पसंद आ गया होगा, तो रिव्यू अगर पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली कार के बारे में अपडेट जल्दी से मिल सके। न्यू व्यूवर स्पेशली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर अगेन आपको कार अवेल करनी है आप आ सकते हैं हाफिज़ सज्जाद मोटर्स के पास, और ये कार उनसे ईजिली आप अवेल कर सकते हैं, फन कार्स का नाम लेकर डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मुझे और फिजान सलीम को दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट एपिसोड में फिर किसी न्यू कार के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, तब अल्लाह हाफिज़।